नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को जानेंगे, वो भी एमसीक्यू की फॉर्म में, जो आपके आगे आने वाले कम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा और सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा कौन से वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जो घोषणा है वो हाल ही में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपना आंसर आप 3 सेकंड के अंदर लाइव चैट या कमेंट में दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि 67वें। तो दोस्तों, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जो घोषणा है वो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा की गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी 67। अगला है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई। तो दोस्तों, इन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जो घोषणा है भारत सरकार के द्वारा ये 22 मार्च 2021 को की गई। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बता दें कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 3 मई 2020 को होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे टालना पड़ा। अगला है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया। तो दोस्तों, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो 22 मार्च 2021 को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में इन पुरस्कारों का आयोजन किया गया। अगला है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म यानी बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो चुनी गई है वे चुनी गई है ऑप्शन बी छिछोरे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की है। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सुशांत सिंह राजपूत की जो फिल्म है छिछोरे, इसको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का सम्मान हासिल हुआ। बता दें कि जो छिछोरे मूवी है इसके जो निर्देशक है यानी कि जो डायरेक्टर है वो नितेश तिवारी है। अगला क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का जो सम्मान है यह किसे मिला है। तो यहां पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, मनोज बाजपेयी और धनुष दोनों को ही मिला है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बता दें कि मनोज बाजपेयी को भोंसले फिल्म और धनुष को असुरन फिल्म, तो मनोज बाजपेयी को भोंसले फिल्म के लिए और धनुष को जो है असुरन फिल्म के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो सम्मान है इन दोनों को दिया गया है। अगला है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान किसे मिला है। तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है नेशनल फिल्म अवार्ड ये दिया गया है दोस्तों कंगना रनौत को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा नामक फिल्मों के लिए जो है कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में जो है चुना गया है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ये किसे मिला है। तो दोस्तों, बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया है ऑप्शन ए मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, जो कि एक मलयालम फिल्म है, इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में। तो मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी जो कि एक मलयालम फिल्म है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है। तो बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड जो दोस्तों दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन सी यानी कि सावनी रविंद्र को, जो कि जल्लीकट्टू के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है जो कि एक मलयालम फिल्म है। अगला क्वेश्चन है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निदेशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है। तो अगर बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन ए संजय पूरन सिंह चौहान को, और 72 हुरें हिंदी फिल्म जो कि एक हिंदी फिल्म है 72 हुरें, इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है संजय पूरन सिंह चौहान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दिया गया। अगला है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यानी कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड है ये दिया गया है ऑप्शन डी विजय सेतुपति को, और इनको जो है तमिल फिल्म सुपर डिलक्स के लिए विजय सेतुपति को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड है नेशनल फिल्म अवार्ड है ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री यानी कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो चुनी गई है ये चुनी गई है ऑप्शन ए पल्लवी जोशी, और इनको जो है द ताशकंद फाइल फिल्म के लिए जो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस चुना गया है। अगला है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गीतकार यानी कि बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का जो नेशनल फिल्म अवार्ड का जो अवार्ड है ये मिला है ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बी प्राक को, जो कि केसरी गाने के लिए दिया गया है।
तेरी मिट्टी, केसरी मूवी के तेरी मिट्टी नामक हिंदी गाने के लिए बी प्राक को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गीतकार यानी बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। यहाँ पर ऑप्शन डी कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, बी प्राक। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गीतकार यानी कि बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड है ये मिला है ऑप्शन डी बारदो को, जो कि एक मराठी गायिका है। इनको जो है बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नेशनल फिल्म का अवार्ड में दिया गया। अगला है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का जो अवार्ड है यह किसे दिया गया है? तो दोस्तों बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का राष्ट्रीय फिल्म एकेडमी पुरस्कारों का जो अवार्ड है ये दिया गया है ऑप्शन ए महर्षि नामक फिल्म को। महर्षि फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट चुना गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एकता पर आधारित फिल्म के लिए दिया जाने वाला नरगिस दत्त बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड यानी कि नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन यह अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो दोस्तों यह दिया गया है ऑप्शन बी ताजमहल को, जो कि एक मराठी फिल्म है, तो मराठी भाषा की फिल्म है ताजमहल, इसको जो है राष्ट्रीय एकता पर आधारित फिल्म चुना गया है। अगला है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सामाजिक मुद्दों पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड यानी कि बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज जो है ये किसे दिया गया है? तो बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज ये चुनी गई है ऑप्शन डी होली राइट्स, जो कि हिंदी भाषा की फिल्म है, तो होली राइट्स को जो है सामाजिक मुद्दे पर बनी बेस्ट फिल्म का अवार्ड चुना गया है और इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसे चुना गया है? तो दोस्तों इस बार जो है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट चुना गया है सिक्किम को, जिनकी सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सिक्किम को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट चुना गया है। अगला है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड यह किसे दिया गया? तो दोस्तों बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का जो अवार्ड है यह दिया गया है ऑप्शन ए एन इंजीनियर ड्रीम को दिया गया है, यह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एन इंजीनियर ड्रीम। अगला क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन इन सॉन्ग का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो सॉन्ग में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का जो अवार्ड है ये दिया गया है इमैनुअल वसंत दिनाकरन यानी कि डी इमान को, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन सॉन्ग फिल्म जो है विश्वसम फिल्म के लिए जो है इनको यह जो है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड मिला है। अगला है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट पंजाबी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट पंजाबी फिल्म का अवार्ड जो चुना गया है ये चुनी गई है रब द रेडियो 2 फिल्म को, जो है बेस्ट पंजाबी फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में चुना गया, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में पर्यावरण संरक्षण पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि बेस्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन का अवार्ड किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी द स्टॉक सेवियर्स, जो कि हिंदी फिल्म है, इसको यह पर्यावरण पर बनी है और पर्यावरण संरक्षण पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसको चुना गया है। अगला है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट बुक ऑन सिनेमा किस बुक को चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर अपना लाइव चैट में कमेंट में हम दे सकते हैं। तो दोस्तों बेस्ट बुक ऑन सिनेमा यह चुना गया है अ गांधियन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेल ऑफ लव इन सिनेमा, जिसके राइटर संजय सूरी हैं, ये आपको याद रखना है कि गांधियन अफेयर के जो राइटर हैं बुक के संजय सूरी हैं, क्योंकि इसको जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो कि हाल ही वितरण किए गए हैं इनको बेस्ट बुक ऑन सिनेमा चुना गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गांधियन अफेयर इंडिया क्यूरियस फॉर ट्रेल ऑफ लव इन सिनेमा। अगला क्वेश्चन है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट तेलुगु फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो बेस्ट तेलुगु भाषा की जो फिल्म है बेस्ट तेलुगु फिल्म ये अवार्ड मिला है जर्सी नामक मूवी को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट मराठी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट मराठी फिल्म का अवार्ड दोस्तों मिला है ऑप्शन बी यानी कि बारदो को, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा बारदो। नेक्स्ट है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट कोंकणी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट कोंकणी फिल्म चुना गया है ऑप्शन डी काजरो को, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट तमिल फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट तमिल फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया है असुरन को, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर असुरन। नेक्स्ट है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एजुकेशन फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बेस्ट एजुकेशनल फिल्म का अवार्ड जो मिला है ये मिला है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। नेक्स्ट है,
और ये बेसिक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना कब की गई, तो अपना क्वेश्चन आप लाइव चैट में दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 10 अक्टूबर 1954, यानी कि ऑप्शन ए। तो 10 अक्टूबर 1954 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। अगला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं जो है भारतीय सिनेमा से संबंधित है, यानी कि चलचित्र से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर आप हमें लाइव चैट या कमेंट में दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा कि फिल्म समारोह निदेशालय, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी, फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा जो है, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। तो दोस्तों ये थे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार की वीडियोस को आगे भी पाने के लिए आप हमारे चैनल नॉलेज वाइन को आज ही सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर प्रेस ऑल पर करना नहीं भूलिएगा, यानी कि ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको हमारे सभी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।